प्रिंसिपल साहिबा, आपके कॉलेज के सामने ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आपका कॉलेज तो बहुत ही इनसिक्योर है, हम अपनी बच्चियों को यह कैसे भेजे? कोई भी तंग करने चला आता है। देखिए प्लीज, आप लोग तसल्ली रखें, हमारी इंतजामिया को इस वाक्य की इतला दे दी गई है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दें। तो फिर अब तक आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोगों से कुछ नहीं होगा, आप हमें बताएं, हम खुद निमट लेंगे। हमारी एक स्टूडेंट ने उनकी गाड़ी की पिक्चर भी हमें दी है, पुलिस उस गाड़ी को और उस गाड़ी के मालिक का एड्रेस लोकेट कर रही है। कौन है भाई, हमें भी तो बताएं। उस बास्टर्ड की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, इन लोगों की अपनी औलादे नहीं है क्या? ठहरिए ठहरिए, आप में से कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, आराम से इत्मीनान से हमारी बात सुन लें। प्लीज आप लोग एक लम्हे के लिए SHO साहब की बात को सुने। लड़कियों के बयान से ये साबित होता है कि वो शख्स 70 साल से भी ज्यादा का है। इस उम्र में भी लोग ऐसे काम पता नहीं कैसे कर लेते हैं। ऐसे अबाश लोगों का एक ही इलाज है कि उनके घर जाकर उनकी फैमिली के सामने उनकी कंप्लेन की जाए, ताकि वो इन लोगों को घर में बंद रख सकें और उनका अच्छी तरह से इलाज करा सकें। मुझे तो ये शख्स कोई पागल लगता है। इस तरह आपका और इस कॉलेज का सारा मसला हल हो जाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है, अभी चले? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल साहबा और मैं बात करेंगे। आप में से कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छी बात है, उस कमबख्त के अपने पोते पोतियाँ भी होंगे, उसकी अच्छी तरह से बेइज्जती होगी तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आइए आइए आप सब।